IVS 6B जो आपका पेपर है सेमेस्टर 2 में, वोकेशनल पेपर है, उसमें आपको पढ़ना है मल्टीमीडिया, जिसमें आपको इसमें 4 यूनिट पढ़ना है। 4 यूनिट में 2 यूनिट जो है आपका वो मल्टीमीडिया की ओवरव्यू है, मल्टीमीडिया डेफिनेशन है, मल्टीमीडिया क्या है, और दो यूनिट जो है वो साउंड से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो हमें आपको साउंड से रिलेटेड चीज़ें बतानी थी, बट मैं ये समझ रहा हूँ कि मल्टीमीडिया की बेसिक डेफिनेशन आपको बता दिया जाए, ताकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो नहीं पढ़े हैं वो सीख लें। उसके बाद जब आपको बताया जाएगा साउंड क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, वेव क्या होते हैं, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज मल्टीमीडिया। देखिए, आपका ये पेपर है, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पहले कभी इस चीज़ को नहीं पढ़ा होगा, तो आपके लिए नया है, बट सिलेबस में है तो आपको पढ़ना होगा। तो डेफिनेशन देखिए, सबसे पहले इंग्लिश में है, फिर उसकी हिंदी भी हमने आपके लिए यहाँ पर कर रखी है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, मल्टीमीडिया इज एन इंगेजिंग काइंड ऑफ मीडिया दैट ऑफर्स अ वेराइटी ऑफ इफेक्टिव वेज टू कन्वे इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। यूजर्स कैन इंटरेक्ट विद डिजिटल इन्फॉर्मेशन थ्रू इट। इट सर्व्स एज अ कम्युनिकेशन टूल, एजुकेशन, ट्रेनिंग, रेफरेंस मटेरियल्स, कॉरपोरेट प्रेजेंटेशन, मार्केटिंग एंड डॉक्यूमेंट्री आर अ फ्यू इंडस्ट्रीज दैट हेविली यूटिलाइज मल्टीमीडिया। यानी मल्टीमीडिया क्या है, ऐसे तो अगर आप सिंपल वर्ड में बोलना चाहेंगे, सिंपल सेंटेंस में, तो मल्टीमीडिया टेक्स्ट का, इमेज का, ऑडियो का, वीडियो का ये कॉम्बिनेशन होता है, जिसके थ्रू हम मैसेज को डिस्प्ले करते हैं, मैसेज को कन्वे करते हैं या मैसेज को प्रेजेंट करते हैं मल्टीमीडिया के थ्रू। ठीक है ना, अब इसके हिंदी में देखते हैं मल्टीमीडिया का मीनिंग क्या होता है। मल्टीमीडिया एक प्रकार का माध्यम है जिसकी मदद से हम डेटा और इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप ये डेटा अपने मोबाइल पे या अपने सिस्टम में देख रहे हैं, तो ये भी एक मल्टीमीडिया का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ से मैं कंटेंट डिस्प्ले करा रहा हूँ या मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप उस चीज़ को अपने डिवाइस में देख रहे हैं, तो ये एक एग्जाम्पल है मल्टीमीडिया का। मल्टीमीडिया का दूसरा पैराग्राफ देखेंगे, मल्टीमीडिया जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला होता है मल्टी, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारा, जैसे आगे लिखा हुआ मल्टी। दूसरा होता है मीडिया, तो मल्टी का मतलब होता है बहुत सारा, ठीक है, और मीडिया का मतलब होता है माध्यम। तो माध्यम में क्या हो सकता है, कोई भी माध्यम, जैसे टेक्स्ट है, ऑडियो, वीडियो, इमेज, आगे देखिएगा आप, तो बहुत सारे मीडिया, जैसे बहुत सारे मीडिया से मिलकर बना हुआ होता है मल्टीमीडिया, जैसे कि टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है, इमेज है, ग्राफिक्स और एनिमेशन है, यानी ये सब सारे चीज़ों से मिलकर क्या बना होता है, मल्टी मीडिया। और इस सबसे क्या बना होता है, असल में जो आप टेक्स्ट को डिस्प्ले करते हैं या जो इन्फॉर्मेशन को आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, उसमें टेक्स्ट भी हो सकता है, उसमें ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो के फॉर्मेट में भी आप उसको कर सकते हैं, इमेज भी होते हैं, ग्राफिक्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाते हैं, मल्टीमीडिया। अगला देखते हैं पॉइंट क्या बता रहा है। इसका एग्जाम्पल एक वेबसाइट मल्टीमीडिया का सबसे बेहतर उदाहरण है, जिसमें ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज आदि सब मौजूद होते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक वेबसाइट यहाँ पे ओपन करता हूँ, आप देखिएगा, मैं यहाँ पे एक वेबसाइट दिल्ली विश्वविद्यालय का मैं ओपन किया हूँ। इसमें आप देखिएगा बहुत सारी एनिमेशन भी, जैसे मैं यहाँ पे अपनी कर्सर को यहाँ से मूव कर रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको ये जो है मेन्यूज खुल जा रहे हैं, ठीक है ना। और साथ में आप देखिएगा ये जो स्लाइड यहाँ पे चेंज हो रहा है, नीचे से टेक्स्ट जो है यहाँ से स्क्रॉल हो रहा है, ये सब आपका मल्टीमीडिया का एग्जाम्पल है। और नीचे बढ़ेंगे तो आपको और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी, इसमें वीडियो भी हो सकता है, बहुत सारे साइट में वीडियो यहाँ चलना शुरू हो जाता है, तो ये सब आप देखेंगे एक वेबसाइट में सारे कॉम्बिनेशन है, पिक्चर भी है, टेक्स्ट भी है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे मल्टीमीडिया एनिमेशन भी है। एनिमेशन के बाद अगर यहाँ पे कहीं आप वीडियो पे क्लिक करेंगे तो वो बजना जो आप वीडियो देखना शुरू कर देंगे, ऑडियो भी होगा यहाँ पे, तो ये सब मिलके क्या बनाता है, एक मल्टीमीडिया जो है कंप्लीट आपको पता चलेगा मल्टीमीडिया होता क्या है। ठीक है, तो उसके बाद आप फिर आते हैं डेफिनेशन में। मल्टीमीडिया का सहायता से हम इंफॉर्मेशन को बहुत तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी मल्टीमीडिया, अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं किसी अपने क्लास में या कहीं और, तो आप अगर कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, अगर प्रोजेक्टर का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप अपने कंटेंट को डिस्प्ले करा सकते हैं उस प्रोजेक्टर पे या उस स्मार्ट बोर्ड पे, तो ये भी एक मल्टीमीडिया का एग्जाम्पल हुआ है। इसका यूज़ बहुत सारे फील्ड में होता है, बहुत सारे क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि एजुकेशन के क्षेत्र में या बिजनेस के क्षेत्र में। ठीक है, जैसे अभी आपको ये चीज़ें मिल रही है वो एजुकेशन का क्षेत्र में हो गया। बिजनेस के क्षेत्र में आप देखेंगे अगर कोई साइट खोलते हैं, अमेजन साइट खोलते हैं, फ्लिपकार्ट, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती है, पिक्चर के साथ कंटेंट दिखते हैं और उसके साथ वीडियोज़ भी, ऑडियो, सारी चीज़ आप देखते हैं, तब आप जाकर मार्केटिंग करते हैं, तो ये वो भी एक क्या हो गया, मल्टीमीडिया।
मल्टीमीडिया एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने का साधन है जो एक यूजर की जानकारी को दूसरे यूजर तक टेक्स्ट में या ग्राफिक्स में या ऑडियो और वीडियो के फॉर्म में शेयर करता है, ठीक है ना। जो भी चीज़ अगर हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे तो या तो हम टेक्स्ट के द्वारा कम्युनिकेट कर सकते हैं या ग्राफिक्स के द्वारा या फिर ऑडियो से या फिर वीडियो से। मल्टीमीडिया की मदद से जानकारी प्राप्त करने के लिए यूजर के पास कंप्यूटर या कोई डिजिटल डिवाइस होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप हमारी चीज़ को देख रहे हैं, हमारे कंटेंट को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके पास मोबाइल होगा या लैपटॉप होगा, तभी आप देख सकते हैं। यानी मल्टीमीडिया के लिए दोनों साइड में होना चाहिए, डिवाइसेस दोनों साइड में होना चाहिए डिजिटल, ताकि आप उसको देख सके, सुन सके और समझ सके, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये आपका कंप्लीट आपका डेफिनेशन हिंदी में हो गया और ये इंग्लिश में हो गया। अब आपको जो अच्छा लगे, जो समझ में आए उसको आप कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हिंदी में भी है। अब देखते हैं हम मल्टीमीडिया के एक ग्राफिक्स देखते हैं कि मल्टीमीडिया क्या से मिलकर बना होता है। उसमें टेक्स्ट होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, ऑडियो होते हैं, एनिमेशन भी होते हैं। एनिमेशन मतलब किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना या स्क्रॉल करना, जो अभी आपने वेबसाइट में देखा, या उसमें ऑडियो लगा देना, वीडियो लगा देना। उसके बाद आप देखें वीडियो और इमेजेस हैं। दूसरा एग्जांपल यहाँ ये देख सकते हैं, ये सब मल्टीमीडिया के जो डिवाइसेस हैं, ये सब मल्टीमीडिया में, जैसे वेबकैम है, यहाँ पे प्लेयर है, यहाँ पे हेडफोन है, तो ये सब मल्टीमीडिया के लिए यूज़ किया जाता है। जो भी आपके पास गैजेट्स हैं, ईयरफोन है, ईयरबड है, या फिर आपके पास हेडफोन है, तो ये सब मल्टीमीडिया का ही उपकरण होता है, जिससे आप मल्टीमीडिया के द्वारा इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं। अब बात करते हैं मल्टीमीडिया का टाइप्स क्या होते हैं। तो इसके जनरली दो टाइप्स होते हैं, एक लीनियर मल्टीमीडिया होता है, दूसरा नॉन लीनियर मल्टीमीडिया होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया क्या होता है, तो आप उसको आराम से लिख सकते हैं अगर आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। तो लीनियर मल्टीमीडिया में क्या होता है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। लीनियर मल्टीमीडिया में होता है नो इंट्रैक्शन, यानी आप किसी के साथ इंट्रैक्शन नहीं कर सकते। जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप मेरे साथ या मेरे वीडियो के साथ कोई इंट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। यानी जब आप टीवी में या कहीं कुछ देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो हम सिर्फ उस मूवी को देख सकते हैं, परंतु उसके साथ कोई इंटरेक्ट नहीं कर सकते। यानी एक वन साइडेड होता है, आप सिर्फ मल्टीमीडिया को देख सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। वन साइडेड होता है, दो साइड नहीं होता, उसको हम कहते हैं लीनियर मल्टीमीडिया, याद हो गया। यानी इसमें यूजर का डायरेक्टली कोई इंटरेक्शन नहीं होता, जैसे अभी आपका कोई इंटरेक्शन नहीं है हमारे इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं। लेकिन जब अगर हम बात करते हैं नॉन लीनियर मल्टीमीडिया की, तो इसके जस्ट अपोजिट हो जाती है, यानी हमारा इंट्रैक्शन हो जाता है उसमें। जो भी हमारे सामने चीज़ें होती हैं उसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें हम बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखेंगे कि इसमें यूजर मीडिया के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर गेम है, गेम अगर आप खेलते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा गेम नहीं खेलना चाहिए, अगर गेम खेलते हैं तो उसको आप जो भी चीज़ें हैं ऑब्जेक्ट उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आजकल जितने भी गेम है उसमें तो डबल साइडेड इंट्रैक्शन होता है, जो भी होता है, इवन बहुत सारे यूज़र मिल के भी उसमें खेलते हैं, तो ये इंट्रैक्शन होता है, आदान प्रदान होता है टेक्स्ट का, मैसेज का, ऑडियो का, वीडियो का, ये सारा चीज़ जो है वहाँ पे ट्रांजैक्शन होता है। इवन अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करेंगे तो ये भी एक तरह का आपका क्या हुआ, एक नॉन लीनियर मल्टीमीडिया का उदाहरण हुआ। जैसे अभी कुछ समय पहले कोरोना जो चला हुआ था, तो मैक्सिमम लोग जो अपने इंट्रैक्शन जूम पे करते थे या गूगल मीट पे करते थे, या हम लोग बच्चों को क्लास दिया करते थे तो गूगल मीट पे या फिर जूम पे, तो उसमें क्या था, इंट्रैक्शन होता था, ठीक है ना। वो मल्टीमीडिया ही था ना, चूँकि पिक्चर वहाँ पे शो हो रहा है, हमारी पिक्चर जा रही है, हमारे साउंड जा रहा, वीडियो जो हम डिस्प्ले कर रहे हैं अपने सिस्टम से तो वहाँ पे जा रहा है, तो उसमें जो है जो लिसनर है, जो स्टूडेंट्स है, वो बीच बीच में सवाल भी कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं ये क्या है, ये क्या है, तो हमें उसको बताना पड़ता है। तो ये देखें आप, दो साइडेड से, दो तरफ से इंट्रैक्शन हो रहा है, तो दो तरफ से जब इंट्रैक्शन होगा तो उसको हम कहेंगे नॉन लीनियर मल्टीमीडिया, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमने आपको बताई, एक टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया और दूसरा हमने आपको बताया व्हाट इज मल्टीमीडिया। कंप्लीट जानकारी हमने आपको बेसिक दिया है। अगले वीडियो में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उस पर फिर वीडियो लेके आते हैं, तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल में फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।